पर बहुत दुख है। अब जो कंस से उस व्यक्ति ने इतने वचन कहे कि मेरे ऊपर बहुत दुख है, तो उसी समय उस व्यक्ति ने कहा, महाराज पहले मेरे दुख दूर कर दो, बाद में तुम का गौर की देखियो। सो जो इतने वचन कहे, सो कंसराज ने कही, तुम चिंता ना करो, सबसे पहले दुख हम तुम्हारे ही दूर करें। सो मैया कंस ने मंत्री से कहा, मंत्री जब व्यक्ति को ले जाओ और ले जाए कि जब फांसी पर टांग दो, जो कि सब दुख दूर कर दो। हाँ, इसको ले जाओ, ले जा करके फांसी पर टांग दो, सब दुख दूर कर दो। सो महाराज मंत्री ने पकड़ा उस व्यक्ति को, पकड़ करके फांसी पर टांग दिया। अब जो और सभा में बैठे रहे सो सब थर रहा है। अब कोई नहीं डर के मारे बोल रहा। कंस ने आवाज लगाई, कोई और दुखी? सभा में तो आवाज आई, कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। अब महाराज बोले, कौन अच्छा राज्य करता है? कंस ने जवाब दिया। तब तक सभा के लोग बोले, महाराज तुम्हारे जैसा राजा हम कौन ढूंढते, सात जन्म तक न मिलते। अरे तुम्हारे जैसा राजा तो कौन मिल ही नहीं सकत, बहुत अच्छे राजा हो। अब जा थोड़ी नहीं जानत के डर के मारे कह रहे। क्योंकि कहा जाता ना, जब डर होता ना किसी चीज का तो फिर अच्छे अच्छे महाराज झुक जाते हैं। तो उसी समय ऐसे कंस पाप अत्याचार करने लगा। जब करने लगा तो कंस के पापों से सभी लोग बड़े परेशान होने लगे। पृथ्वी जो है वो महाराज गाय का रूप बना करके भागने लगी। क्योंकि कहा जाता है जब पृथ्वी पर बोझ होता है पापों का, तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगती है। और माँ पृथ्वी स्वयं ये बात कहती है कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती हूँ। तो आज गाय जो है वो महाराज पृथ्वी जो है वो गाय का रूप बना करके भागने लगी। संत महात्मा जितने भी हैं वो सभी भगवान की शरण में जाने लगे और प्रभु को टेर करके आवाज लगा करके पुकार करके कहने लगे, हे मेरे नाथ, आपके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप आइए और आ करके मेरी रक्षा कीजिए और कंस के पापों से मुझे मुक्त कराइए। और सभी प्रार्थना कर रहे हैं, ताली बजा करके बोलेंगे। अरे चलो, तो गांव की बात है, रिश्तेदार ना कि हम कह रहे रिश्तेदार भागवत सुनने की बात है। 3 बजे लेकर के आए पा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ताली बजा कर बोलो बड़े भाव से। देखो जब तक आप लोग ताली नहीं बजाते तब तक मेरा भी मन नहीं लगता है।